हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे होम साइंस का एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है, शोधक पदार्थ, जिसे कि क्लीनिंग एजेंट्स भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं दिखाना चाहूँगी फ्रेंड्स कि पिछले देखिए कुछ क्वेश्चंस कि एग्ज़ाम में इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है एलटी ग्रेड का, जो अभी रिटन एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखिए इस तरह का क्वेश्चन आया था। देखिए दिख रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये है टीजीटी, अभी जो 2016 जिसका एग्ज़ाम हुआ था 2019 में। ये देखिए ये क्वेश्चन आया है, दिख रहा है, साबुन बनाने की देखिए सामग्री। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मैं और कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये है टीजीटी का क्वेश्चन, टीजीटी 2011। देखिए, ठीक है, अभी आप लोगों को क्लियर दिख रहा है। देखिए ये है टीजीटी 2013। देखिए लगभग हर बार टीजीटी के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन एक या फिर दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखिए ये भी है टीजीटी 2013 का। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी। ये भी देखिए, ये भी है टीजीटी 2013 का क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस देख के समझ आ रहा होगा कि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस एक या दो फिर बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपना, हम लोग जो है शोधक पदार्थ या फिर क्लीनिंग एजेंट। ठीक है, देखिए साबुन क्या है, सबसे अधिक प्रचलित शोधक पदार्थ जो है वह है साबुन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक प्रचलित शोधक पदार्थ साबुन है, साबुन। अब हम लोग बढ़ते हैं डिटर्जेंट। देखिए डिटर्जेंट, साबुन और सर्फ, साबुन को भी हम लोग डिटर्जेंट की ही श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साबुन भी एक प्रकार का डिटर्जेंट ही है। ठीक है, ये ठोस रूप है और ये पाउडर के रूप में मिलता है सर्फ। ठीक है, जिसे कि हम लोग डिटर्जेंट पाउडर कहते हैं, और ये है डिटर्जेंट केक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साबुन और सर्फ ये क्या है, ये शोधक पदार्थ है। अब देखिए साबुन बनाने में किन किन सामग्री का उपयोग होता है, ये ध्यान दीजिएगा, तो वसा, तेल या फिर मोम, जो कि चिकनाई के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वसा, तेल या फिर मोम का। ठीक है, इसके अलावा कास्टिक सोडा, दाग धब्बे छुटाने के लिए कास्टिक सोडा, पानी, मैदा या फिर बेसन और मैदा में से एक। ठीक है, बेसन या फिर मैदा, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बेसन या फिर मैदे में से एक। तो इस तरीके से ये साबुन बनाने की सामग्री है। और सर्फ बनाने के लिए हम जो है रासायनिक विधियों का प्रयोग करके हम लोग डिटर्जेंट पाउडर जो है वो बनाते हैं। ये हो गया साबुन के बारे में और सर्फ के बारे में। अभी ध्यान देते हैं रीठा का सर। रीठा एक तरह से हमें वनस्पति जगत से मिलता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये क्षार रहित, मतलब नो एल्कोहल। ठीक है, क्षार रहित होता है, जिससे कि वस्त्र को कोई भी नुकसान नहीं पहुँच सकता। तो रीठे में हम लोग किसी भी तरह के वस्त्र को धो सकते हैं, चाहे वो ऊनी हो, रेशमी हो, सूती हो, हर तरीके का वस्त्र जो है रीठे के तत्व से धुला जा सकता है और ये किसी भी वस्त्र को हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ यानी कि कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देखते हैं साबुन बनाने की विधियाँ, किन किन विधियों द्वारा हम लोग साबुन बना सकते हैं। तो सबसे पहली विधि है गर्म विधि और दूसरी है ठंडी विधि। गर्म विधि में जैसे कि फैक्ट्रियों में साबुन बनाया जाती है, तो उसके लिए गर्म मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और ठंडी विधि क्या है, यह एक घरेलू विधि है, इसे हम लोग घर में भी साबुन बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो गर्म विधि में देखिए दो प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा, ये दो प्रोसेस का कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। पहला तो साबुनीकरण और दूसरा है साल्टिंग आउट। अब देखिए ये साबुनीकरण क्या होता है, तो देखिए गर्म विधि में जब साबुनीकरण की प्रक्रिया, जब वसा, साबुन का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट अभी मैंने बताया कि वसा, फैट, ठीक है, तो जब वसा या फिर फैट की सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये दोनों क्षार है। ठीक है, क्षार है, जब वसा की
क्षार के साथ यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ठीक है क्रिया कराई जाती है, दोनों को गर्म किया जाता है। ठीक है, इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि एक बर्तन ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, उसमें क्या किया हम लोगों ने, जल लिया, उसमें हम लोगों ने डाला वसा, ठीक है, वसा, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ जल तो नहीं रहेगा, यहाँ केवल रहेगा वसा, ठीक है, जल नहीं, सॉरी जल नहीं, ठीक है, वसा और क्या रहेगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में से एक, इन दोनों को क्या किया जाता है, इन दोनों को गर्म किया जाता है। देखिए गर्म किया, ठीक है, गर्म करने से इन दोनों को गर्म किया जाता है, वसा और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने के बाद जो गर्म करने का प्रोसेस होता है वही प्रोसेस क्या कहलाता है, साबुनीकरण कहलाता है। वसा की, ऐसे भी इसको एक लाइन में समझ सकते हैं कि वसा की क्षार के साथ जो क्रिया कराई जाती है वह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं साल्टिंग आउट किसे कहते हैं। साल्टिंग आउट इसे कहते हैं कि जो क्रिया कराने के बाद जो पदार्थ हमें मिलता है उसमें नमक डालने से क्या होता है, साबुन अलग हो जाता है, ठीक है, और अशुद्धियाँ अलग हो जाती है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है साल्टिंग आउट। इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम आपने देखा होगा कि जब मक्खन बनाने का प्रोसेस आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, तो इसी तरीके से वसा, हम लोगों ने लिया वसा लिया, फिर उसकी क्रिया करें NaOH, ठीक है, NaOH प्लस वसा, अब हम लोगों ने इसको किया गर्म, ध्यान दीजिएगा गर्म किया, तो जो ये पदार्थ मिलता है उसमें नमक डालने के बाद क्या होता है कि जो साबुन रहता है वह अपने आप तैर के ऊपर आ जाता है। मक्खन बनाने का प्रोसेस आप लोगों को पता ही होगा कि जब मलाई हम लोग फेंटते हैं, फेंटने के बाद जब उसमें ठंडा पानी या फिर बर्फ़ के टुकड़े डालते हैं तो कैसे सारा फैट, मलाई का सारा फैट जो है वो अपने आप तैर के ऊपर आने लगता है, तो ठीक वैसा ही प्रोसेस इसमें है। वसा और वसा की NaOH के साथ क्रिया कराते हैं यानी कि उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसमें नमक डालते हैं, नमक डालने के बाद क्या होता है जो साबुन होता है वह ऊपर तैरने लगता है और अशुद्धियाँ नीचे रह जाती है। तो आई होप इस प्रोसेस से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो ये प्रोसेस है ये साबुनीकरण कहलाता है और उसके बाद जो नमक डालते हैं हम लोग, नमक डालने के बाद जो साबुन ऊपर आ जाता है उसे कहते हैं साल्टिंग आउट। ये दोनों का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, साबुनीकरण और साल्टिंग आउट। ठीक है, तो गर्म विधि का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, कंपनियाँ होती हैं, वो इस मैथड द्वारा जो है वो साबुन बनाती हैं। किस विधि द्वारा? गर्म विधि द्वारा। और ठंडी विधि क्या है? ठंडी विधि एक घरेलू विधि है, इसमें हम लोग बहुत आसानी से घर पे भी साबुन बना सकते हैं। कैसे, चलिए वो बताती हूँ मैं आपको। साबुन में कितने सारे एलिमेंट्स लगते हैं वो मैंने अभी इसके पहले आप लोगों को बताया, तो उसी के बेसिस पे देखिए, एक बर्तन में हम लोगों ने फैट लिया और बेसन या फिर मैदा, इन दोनों को मिलाकर फैट और बेसन को मिला के अलग रख दिया। फिर एक बर्तन में लेते हैं हम लोग थोड़ा सा पानी और कास्टिक सोडा और पानी का घोल बना लेते हैं। ठीक है, तो जो अभी हम लोगों ने बेसन का जो घोल बनाया था उसको कास्टिक सोडा के घोल में मिलाकर फेंट लीजिए। अच्छे से फेंटने के बाद इसको किसी ट्रे में जमा दीजिए, जम जाएगा, और उसके बाद साबुन की टिकिया की तरह काट लीजिए। ये हो गई साबुन बनाने की घरेलू विधि। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को गर्म विधि और ठंडी विधि ये अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग देखेंगे विरंजक, जिसे कि ब्लीचिंग एजेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग करना, कपड़ों पे तो हम लोग ब्लीच करना जानते हैं, लेकिन किन किन चीज़ों से ब्लीचिंग की जाती है ये आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे धूप या फिर घास। ठीक है, धूप और घास क्या है? यह एक प्राकृतिक विरंजक है। प्राकृतिक विरंजक धूप और घास है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कैसे, अब हम लोग डेली यूज़ में ही कपड़े धोते हैं तो कुछ दाग धब्बे नहीं छूटते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो धूप में डाल देंगे तो रंग इसका उड़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, धूप एक प्राकृतिक विरंजक है, तो धूप भी विरंजक की श्रेणी में आता है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम परबोरेट।
सोडियम परबोरेट ये क्या है, यह एक बहुत ही शक्तिशाली विरंजक है। शक्तिशाली विरंजक होने के कारण यह केवल सूती और लिनन के वस्त्रों पर ही इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं जो कि कठोर होते हैं। जो दाग धब्बे ज़्यादा कठोर होते हैं उन पर सोडियम परबोरेट का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, यह क्या है, यह वनस्पति या किसी भी प्रकार के तंतु पर हम लोग पोटेशियम और परमैंगनेट ब्लीच का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। यह क्या हटाता है, तो देखिए एग्जाम्पल जो है इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे फफूंदी, पसीना, स्याही का धब्बा, इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, इन सब के दाग धब्बों को हटाने के लिए हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये क्या है, यह एक सॉफ्ट विरंजक है। ठीक है, यह एक सॉफ्ट विरंजक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल ड्राई वॉश में किया जाता है, जो कि जैसे कि सिल्क के कपड़े, सॉफ्ट ऊन हो गए, जो कि नुकसान, इन सब चीज़ों से धोने से जो है उसको नुकसान हो जाता है, इसलिए जो कि ड्राई वॉश होते हैं, डेली यूज़ के नहीं होते हैं, हम लोग उनको घर पे आसानी से नहीं धो सकते हैं, तो इसलिए हाइड्रोजन परऑक्साइड ये क्या है, यह एक मृदु या फिर माइल्ड या फिर सॉफ्ट विरंजक है। कौन? हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेवेल वाटर, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जेवेल वाटर क्या है, जेवेल वाटर, तो जेवेल वाटर किसे कहते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड ही को ही हम लोग जेवेल वाटर कहते हैं। ठीक है, यह एक अत्यधिक शक्तिशाली विरंजक की श्रेणी में आता है। इसमें केवल केवल ध्यान दीजिएगा, केवल सूती या फिर कॉटन, उसमें भी कॉटन में भी केवल सफ़ेद कॉटन के कपड़े ही जेवेल वाटर में हम लोग धोते हैं। ठीक है, धो सकते हैं, जिसको कि सोडियम हाइपोक्लोराइड या फिर उसका दूसरा नाम है जेवेल वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे चिकनाई विलायक और चिकनाई अवशोषक, ये दो पॉइंट है, चिकनाई विलायक और चिकनाई अवशोषक, अब इनको डिस्कस करेंगे। चिकनाई विलायक, देखिए चिकनाई विलायक कौन कौन से, पेट्रोल या फिर बेंजीन। पेट्रोल या फिर बेंजीन क्या है, यह एक चिकनाई विलायक है। ठीक है, पेट्रोल या फिर बेंजीन का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, तो ड्राई वॉश, ध्यान दीजिएगा ड्राई वॉश वाले वस्त्रों पर पेट्रोल या फिर बेंजीन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है एसीटोन, ठीक है, एसीटोन ये क्या है, ये रेयॉन पर, देखिए ये रेयॉन के अतिरिक्त अन्य सभी वस्त्रों पर इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन रेयॉन पर एसीटोन का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसको नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पैराफिन, पैराफिन कैसा चिकनाई विलायक है, तो पैराफिन क्या है, पेंट के धब्बों को छुड़ाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो पैराफिन का, ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चन बनते हैं। पेंट के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो पैराफिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों है चिकनाई विलायक। अब हम लोग देखते हैं चिकनाई अवशोषक कौन कौन से होते हैं, तो चिकनाई अवशोषक है फुलर अर्थ जिसे कि साधारण मिट्टी भी कहते हैं, फुलर अर्थ को साधारण मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा चोकर, यह भी क्या है, यह भी एक तरह का चिकनाई अवशोषक है, जो कि चिकनाई को वस्त्र से सोख लेता है। ठीक है, तीसरा है मैग्नीशियम का पाउडर, ये तीनों क्या है, ये सब चिकनाई अवशोषक है। मतलब क्या है कि जो वस्त्र पे चिकनेपन के दाग धब्बे लगे रहते हैं उनको यह सोख लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये ऊपर के तीनों जो चिकनाई विलायक है और नीचे ये चिकनाई अवशोषक है, तो अंतर याद रखिएगा कि पेट्रोल या फिर बेंजीन चिकनाई विलायक है, जबकि फुलर अर्थ क्या है, यह एक चिकनाई अवशोषक है। ठीक है, और आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, और मैंने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी दिखाए थे उसके आंसर भी आपको इस सेशन में मिल गए होंगे। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।